प्रदेश में पशुओं में फैले लंपी वायरस से अभी भी निजात नहीं मिल पा रही है। राज्य में औसतन 500 से अधिक मामले रोजाना दर्ज हो रहे हैं। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने शिमला में बताया कि राज्य में अभी तक 1,29,000 से अधिक मामले लंपी वायरस के पाए गए हैं, जिनमें से 93,000 से अधिक पशु इस बीमारी से स्वस्थ हो गए हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि अब लंपी वायरस के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदीप शर्मा ने कहा कि अभी तक 3,24,000 से अधिक पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक मामले मंडी और चंबा जिला में पाए गए हैं, लेकिन विभाग द्वारा बीमारी को रोकने के प्रयास लगातार जारी हैं। डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि महामारी से बचाव के लिए 10 लाख वैक्सीन और मंगवाई गई है। देश में लगभग हमारे 1,30,000 जो जानवर अफेक्ट हुए थे, 93,000 जानवर ठीक हो चुके हैं और लगभग 26,000 जानवर अभी भी एक्टिव केसेज हैं। आज की डेट में यह बीमारी काफी कम हो चुकी है, क्योंकि हमारे कितने स्टाफ ने, सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने बहुत तत्पर कितने एक्शन लिया, तो उस वजह से काफी कंट्रोल में डिजीज हो चुकी है। और केवल हमारे मंडी और चंबा डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें लगभग 100 के करीब केस रिपोर्ट हो रहे हैं। अदरवाइज हर डिस्ट्रिक्ट में डबल डिजिट्स में या काफी कम डिजीज हो चुकी है, और मुझे पूरी आशा है कि इस डिजीज पे बहुत ही जल्दी हम काबू पा लेंगे। और भविष्य के लिए भी मैंने अभी करीब 10 लाख वैक्सीनेशन का सप्लाई ऑर्डर दे दिया है। जैसी वैक्सीन आ जाएगी तो पूरे प्रदेश में इसकी वैक्सीनेशन कर दी जाएगी, ताकि इस रोग से पूरे प्रदेश के जानवरों को बचा लिया जाए।